अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो टुडे वी आर गोइंग टू एडिनबरा। जी तो सुबह हमने बस नाश्ता किया और फिर हम निकल पड़े अपने सफर के लिए टुवर्ड्स एडिनबरा। सकते रास्ता बहुत ही खूबसूरत था, पहले धूप निकली हुई थी और बीच में ही बारिश शुरू हो गई। और यहाँ का वेदर ऐसे ही है, कुछ पता नहीं चलता कि कब जो है वो धूप निकलेगी, कब बारिश होगी, कब हवा चलने लग जाएगी। खैर वेदर जैसा भी, लेकिन हम तो रास्ते को बहुत इंजॉय किया। और अब हम पहुंच चुके हैं द बॉर्डर लाइन्स व्हिच इज बिटवीन द स्कॉटलैंड एंड इंग्लैंड एंड इट्स आल्सो नोन एज एंग्लो स्कॉटिश बॉर्डर। और यहाँ पे इंग्लैंड और स्कॉटलैंड जो है वो मिलते हैं। और बहुत सारे टूरिस्ट जो थे यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह बना रहे थे। एंड हियर यू कैन सी अ ब्यूटीफुल स्पेक्टेकुलर व्यू ऑफ द माउंटेन जिसके ऊपर के बादल आए हुए, इतना प्यारा लग रहा है व्यू, सुभान अल्लाह। तो हम यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है आधा घंटा रुके थे और यहाँ पे हमने बहुत सारी पिक्चर्स बनाई। अब हम बस अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे हैं बिकॉज बारिश स्टार्ट हो गई है। एंड हियर यू कैन सी वेलकम टू स्कॉटलैंड बोर्ड एज वेल। और इस पर काफी सारी उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी हुई थी। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच चुके हैं स्कॉटलैंड और अभी हम जा रहे हैं अपने होटल की तरफ। जी और ऑलमोस्ट हम जो है 6 आवर्स में पहुंचे हैं स्कॉटलैंड क्योंकि हमने बहुत सारे स्टॉप्स लिए बीच में। तो हमने होटल में चेक इन कर लिया था और अब हम पहुंच चुके एडिनबरा सिटी। यू कैन सी काफी ओल्ड यहाँ की सारी बिल्डिंग्स हैं बिकॉज इट्स एन ओल्ड टाउन और इट्स द कैपिटल ऑफ स्कॉटलैंड एज वेल। तो बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे। जी तो वॉक करते करते हम पहुंच गए विक्टोरिया स्ट्रीट जो कि बहुत ही फेमस है एडिनबरा में। ऑलमोस्ट जो सारे के सारे टूरिस्ट है वो यहाँ पे जरूर आते हैं। जी तो होटल में चेक इन कर लिया था हमने और अब हम जा रहे हैं बाहर घूमने फिरने। सबसे पहले हमने डिसाइड किया कि हम कासल चलते हैं एंड अनफॉर्चुनेटली जो है कासल जो है बंद हो गया था बिकॉज उसके 4 PM की लास्ट एंट्री थी और हम लोग जो है 5 बजे पहुंचे थे और हमने टिकट्स प्री बुक भी नहीं कराई हुई थी। तो आप में से कोई भी जो है एडिनबरा कासल देखने जाए तो वो ज़रूर अपनी टिकट्स प्री बुक करा ले एंड देयर यू कैन सी द कासल। खैर चलना बहुत पड़ता है। फिर हम एक शॉप में आ गए थे और ये स्कार्फ्स की शॉप थी और इसमें काफ़ी सारी और भी चीज़ें थी, बैग्स भी थे और पेंडेंट्स भी थे, बट चीज़ें काफ़ी रीजनेबल प्राइस थी। लाइक 20 pounds का एक स्कार्फ था और ये काफ़ी अच्छा कश्मीर जो होता है स्टफ उसका स्कार्फ था। और मैंने कहा कि क्यों ना एक स्कार्फ ले लिया जाए। तो फिर मैंने एक अपने लिए ले लिया और एक अपनी मम्मा के लिए ले लिया स्कार्फ। जी तो अब मैं आ गई थी बैग्स के सेक्शन में और बैग्स आप देख सकते हैं 115 pounds का बैग है। ये मतलब हैंडमेड बैग से इसलिए ज़्यादा हाईली प्राइस है और मुझे इनका स्टफ बहुत ही अच्छा लगा। और इन शॉप्स पे काफ़ी ट्रेडिशनल जो है स्कॉटिश चीज़ें पड़ी हुई थी। जी तो एडिनबरा का जो सबसे ज़्यादा फेमस रोड है रॉयल माइल, वहाँ पे हम वॉक करते करते पहुँच गए थे यहाँ पर। ये भी बिल्कुल रोड सामने जो है वो कासल की तरफ जा रही थी एंड आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस थिंग, ये जो इतना बड़ा मोनूमेंट है। और ये बंदा जो है यहाँ पे स्कॉटिश का जो है वो जो ट्रेडिशनल कपड़े हैं वो पहनकर और स्कॉटिश के ट्रेडिशनल आई थिंक ये म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट है वो बजा रहा था और बहुत सारे टूरिस्ट जो हैं वो यहाँ पे खड़े होकर इसको एंजॉय कर रहे थे। और आप देख सकते हैं अभी तक कितना ज़्यादा रश है इधर और यहाँ पे चलना बहुत ज़्यादा पड़ता है। लाइक आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है आपको बहुत चलना पड़ता है। जी तो मैं गई और मैंने इसके साथ एक वीडियो बनाई और इसको पैसे भी दिए क्योंकि पैसे दिए बगैर जो है आप वीडियो नहीं बना सकते ना पिक्चर ले सकते हैं। ऑब्वियसली इट्स अ कर्टेसी। जी तो अब हम बस जा रहे हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जी तो हमारा है आज सेकंड डे एडिनबरा में और आज हम जा रहे हैं एडिनबरा जू। हमारे होटल से एडिनबरा जू जो है 30 मिनट्स की ड्राइव है और रास्ते में मिला मुझे ये जहाज। सो हियर वी आर एट एडिनबरा जू। तो कार पार्क करने के बाद हम आ गए थे मेन एंट्रेंस पे और यहाँ पे हमें लग रहा था कि आज यहाँ पे बिल्कुल भी रश नहीं है। तो जैसे ही हम अंदर एंटर हुए और वहाँ हमने देखा लोगों की इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी, बट यहाँ पे सिस्टम बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज होता है तो इसलिए हर कोई जो है अपनी बारी का वेट करता है। यहाँ से हमने टिकट्स परचेज की और हम अंदर चले गए और ये है जी मैप जो कि शो कर रहा है कि कौन सा एनिमल कहाँ पे है। जी तो मैप को फॉलो करते हुए हम सबसे पहले गए मीरकाट को देखने और मीरकाट भी फुल एक्टिव होके लोगों को देख रहा है। उसके बाद हम आ गए फ्लेमिंगोस को देखने और फ्लेमिंगोस के पास बहुत ही ज़्यादा रश लगा हुआ था क्योंकि बच्चे इसको बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। हालांकि फ्लेमिंगोस जो हैं उन्होंने किसी को कोई लिफ्ट नहीं करवाई और बस वो अपने कामों में मगन थे। उसके बाद हम आगे कुछ और बर्ड्स देखने और यहाँ पे डियर भी थे। एंड नाउ वी आर हियर टू सी गोरिल्लास एंड यू कैन सी कि यहाँ पे उन्होंने बिल्कुल ही नेचुरल जो है एनवायरनमेंट देने की कोशिश की है और ये रहा गोरिल्ला। और जी यहाँ गोरिल्ला की जो है पूरी फैमिली है, बिल्कुल ही इंसानों की तरह एक्ट करते हैं। नेक्स्ट हम राइनो को देखने आ गए थे और राइनो जो है वो आई थिंक खाना खाने लग गया था। एडिनबरा जू में बहुत ही ज़्यादा हाइक करनी पड़ती है बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा हाइट पे बना हुआ है। यहाँ पे सब लोग जो है जिराफ्स को देख रहे थे और फिर उसके बाद हम आ गए टाइगर एंड आई थिंक टाइगर को भी भूख लगी हुई और खाना ही तलाश कर रहा था इधर उधर के मुझे कुछ खाने को मिल जाए। और टाइगर को देखने के लिए भी बहुत ही ज़्यादा रश लगा हुआ था क्योंकि लोगों को लाइन तो दिखा नहीं बिकॉज लाइन जो है वो उस टाइम सो रहा था।
तो इसीलिए जो है वो सारे लोग सिर्फ टाइगर को देखने आ गए थे। आप इसकी आईज देखें कितनी खूबसूरत लग रही हैं, सुभान अल्लाह। एंड हियर यू कैन सी कि अकॉर्डिंग टू दिस स्केल टाइगर जो है वो इतना हाई जंप कर सकता है। एंड देन वी केम टू सी द पेंगुइन्स एंड यू कैन सी पेंगुइन्स को भी बिल्कुल उनके एनवायरमेंट के अकॉर्डिंगली उन्होंने रखा है। और ये वाला पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा था। पेंगुइन्स जो है ये भी बहुत ही क्यूट एनिमल्स हैं। जी तो एडिनबरा जू देखने के बाद हम थक हार के बस घर जा रहे हैं एंड आपको मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।